आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रेलवे जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में ओलंपियन प्रणोति नायर भी हिस्सा लेने आई है। ओलंपियन प्रणोति नायर ने सी न्यूज संवाददाता से वार्ता की। ओलंपियन प्रणोति नायर का कहना था कि पीएम मोदी द्वारा खिलाड़ियों को जिस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है उससे खिलाड़ियों में उत्साह बना हुआ है। ओलंपिक में भारत का झंडा बुलंद करने वाली प्रणति नायर आगरा के एकलव्य स्टेडियम में चल रही रेलवे जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आई। हमारे बीच में मौजूद हूँ प्रणति, आपने कौन सी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था? हाँ जी सर, मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ और इंडियन रेलवे का कंपटीशन चल रहा है अभी और आज से स्टार्ट हो रहा है, अभी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है काफ़ी देर में। और जो ओलंपिक में आपने हिस्सा लिया था, किस तरीके का प्रदर्शन आपका रहा? मेरा फर्स्ट ओलंपिक था और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला और मुझे कोविड के कारण बहुत देर में साल तक पूरा प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कुछ ही महीने में मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म करने का कोशिश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे, तो कितना बल आप लोगों को मिला? बहुत सपोर्ट मिला इंडियन गवर्नमेंट से और मैं साई में ट्रेनिंग करती हूँ, साई सेंटर से और रेलवे से भी मुझे बहुत फैसिलिटीज मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप लोगों से मुलाकात की और लगातार ओलंपिक के दौरान आपसे लगातार संपर्क में? हाँ, उन्होंने बोला कि आगे का तैयारी करो, हम हैं आपके साथ। आगे का क्या भविष्य है ओलंपिक में भारत का, क्योंकि अब जल्दी होने वाला है? हाँ, अभी देखिए, पहले तो एक जन गए थे, अभी मैं ही गई हूँ, आगे भी इंडिया से ओलंपिक के लिए जाएंगे यही उम्मीद करती हूँ और बस यही। अच्छा है, आगे अच्छा रहेगा इंडिया के लिए? हाँ, इंडिया के लिए बहुत अच्छा पोजीशन में है अभी जिम्नास्टिक का और आगे भी अच्छा होगा। थैंक यू। प्रणति नायर का मानना है कि जिस तरीके से भारत सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है उससे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा है, खिलाड़ी बेहद उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खिलाड़ियों से संपर्क में थे जिस समय ओलंपिक आयोजित किया जा रहा था, इससे भी खिलाड़ियों की ऊर्जा डबल हुई है। उनका मानना है कि भविष्य में होने वाले ओलंपिक खेलों में या फिर अन्य खेलों में भारत और अधिक शानदार प्रदर्शन करेगा। अपने साथी राजीव के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।